लो अभी दिखाएंगे कौन था ये शख्स। तो ये शख्स अभी जो है नई ब्लॉग शुरू कर रहा है नए चैनल पर, और इसके चैनल का लिंक मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। तो ये मेरी जो है आज तीसरी ब्लॉग है इस चैनल पर, और जैसे कि मैंने पहली ब्लॉग में आपको दिखाया था शनिदेव का मंदिर, और बहुत सारे लोगों ने जो उसको फर्स्ट टाइम ही काफ़ी अच्छा उसको लाइक किया, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि आप अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं। लेकिन मेरा एक और चैनल है आई एम शेयरफुल इंडिया के नाम से, जो मेरा बिजनेस चैनल है, और उस चैनल पर लगभग अभी जो है 1,05,000 सब्सक्राइबर रिसेंटली हो चुके हैं, और उसकी अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड है बिजनेस पर्पज़ से। और अभी जो है मैं इस चैनल पर जो है मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से यूनिक वीडियोस दिखाऊं, और टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए मैंने एक चैनल और बना रखा है जिसमें मैं ब्लॉगिंग और यूट्यूब रिलेटेड टिप्स डालूंगा, और साथ ही साथ कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोज़ भी उस चैनल पर आती रहेंगी। तो वो चैनल का भी लिंक मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। उसको जो है मैंने अभी सीक्रेट रखा है ताकि आप लोगों को सामने एक सीक्रेट बना रहे। तो ये हमारे छोटे भाई हैं। अभी मेरा एक नया चैनल है जो देव व्लॉग्स के नाम से यूट्यूबर है, और अभी स्टार्ट मैंने आज से ही कराऊँ उसमें व्लॉग डालना। तो इसकी लिंक आपको भैया के यूट्यूब में मिल जाएगी, आप उस पर जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई का नाम जो है देव है, और इसीलिए उन्होंने जो है देव व्लॉग्स के नाम से चैनल स्टार्ट किया है। और जैसे कि आपको पता है बरघाट में एक बंदा भी है छोरे बरघाटी देव पवार, वो भी बहुत फेमस है, इस वजह से जो है इनका नाम भी देव ही है, और इनका भी स्टार्टअप अच्छा है। इन्होंने पहले भी चैनल बनाया था और उसमें भी बहुत सारी वीडियो डाली थी ब्लॉग की वीडियोस, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि किस प्रकार से उनको जो टाइटल देना चाहिए, टैगिंग करनी चाहिए और थंबनेल करना चाहिए। तो वो सब कुछ अभी जो है सीख रहे हैं, और इनको मैंने काफ़ी कुछ सिखाया भी है, और जल्दी जो है ये भी अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज इनके ब्लॉग पर हम जो है आने वाले हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूँगा, एक बार उनके ब्लॉग पर भी ज़रूर जाइएगा। हम जो है अभी गार्डन घूमने जा रहे हैं, और इस वक्त हम हैं बरघाट में, और अभी हम जो है कॉलेज की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पर जो है हम एक ब्लॉग आपको देने वाले हैं। तो चलिए उधर की तरफ। अभी हमने जो है इस दुकान में जो है मातश्री स्वीट्स के नाम से है, इस दुकान पर हमने जो है आइसक्रीम खाया, और इसका एक फ़ोटो मैं अभी लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं फ़ोटो। तो ये है बरघाट का बस स्टैंड, और यहाँ का एक सबसे फेमस होटल है सी होटल, जो लगभग 20-25 साल पुराना है और बहुत ही फेमस है, और इनका ही बहुत बड़ा बिजनेस बरघाट में जो है फल फूल रहा है आज के डेट पे। और यहाँ से जो है आप बालाघाट और सिवनी के लिए आप यहाँ से बसें भी कर सकते हैं इस बस स्टैंड से, और ये बहुत पुराना ये एक छोटा कस्बा बोल सकते हैं। तो चलिए हम जो है चलते हैं। ये हमारी स्कूटी है, आप देख सकते हैं ये एक्टिवा 6G स्कूटी मैंने ख़रीदा था पिछले 1-1.5 साल पहले, और अच्छी सर्विसिंग भी इसकी चलती है, बहुत अच्छी स्कूटी है। तो अभी हम जो है जाने वाले हैं भाई की ब्लॉग को बनाने के लिए, इधर एक गार्डन पड़ता है, उस गार्डन में जाने वाले हैं। तो ये है भैया बरघाट की रोड जो सिवनी के लिए जाती है, और इस पर हम अभी जो है ड्राइव कर रहे हैं। हमारे कैमरे में जो है अभी क्वालिटी आने वाली है, क्योंकि अभी जो है शुरुआत है, हम GoPro खरीदने वाले हैं। अभी जो शुरुआत में हम ये Redmi का Note 10 Pro Max है, इससे मैं जो है ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और फिर भी ठीक है, बेहतर क्वालिटी है इस फ़ोन में, और जल्दी वो GoPro भी आने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट करिए जल्दी से जल्दी। जनपद पंचायत के अंतर्गत है, तो यहाँ पे जो है चक्रवर्ती राजा भोज की बहुत बड़ी यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है, देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है पवारों का है, मतलब पवारों के जो राजा थे राजा भोज, वो बहुत फेमस हैं। और इस क्षेत्र में जो है देखा जाए तो बहुत ही शांति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गार्डन का एरिया, लेकिन इतना यहाँ पे क्राउड नज़र नहीं आ रहा है, अगर यही सिवनी की साइड होता तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती। तो ये है गार्डन जो लगभग 10 साल पहले बना था, और अभी लगभग ठीक ही है, पर काफ़ी कुछ उजाड़ दिया है लोगों ने। यहाँ की जो पहले जो मैंने देखा था जो क्वालिटी थी इस गार्डन की, वो अब नहीं बची है। तो अभी इंटर करने वाले हैं अंदर के साइड हम। तो अभी जो है हम गार्डन के अंदर आ चुके हैं, ये गेट से भी हमने जस्ट एंट्री की, और आपको पता है कि इस चैनल पर जो है एक और जो चैनल है उसका लिंक मैं देने वाला हूँ, तो उस चैनल पर ज़रूर जाइएगा। तो ये भाई साहब है, इनका जो है ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, और इनको सपोर्ट करना है आप सभी को। तो अभी हम जो है ये गार्डन दिखाने वाले हैं, और यहाँ का एक फेमस डायनासोर है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए इनके ब्लॉग को पहले हम शूट कर लेते हैं, उसके बाद वो डायनासोर हम आपको दिखाएंगे और दिखाते हैं हम आपको कि क्या है आगे। तो भाई जो है मोबाइल फ़ोन से ही ब्लॉग शूट कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि एक डायनासोर दिखाने वाले हैं, तो ये देख सकते हैं। वैसे जब ये फर्स्ट टाइम जब ये बना था ये गार्डन, वाकई में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब पता नहीं इसका रंग उड़ गया है, या फिर यहाँ पर जो है नगर जो परिषद है यहाँ की, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है
जैसे कलर वलर सारी बाउंड्रीज का यहाँ पे छोटी छोटी जो बाउंड्रीज बनाई वो निकल चुकी है। तो इस डायनासोर का जो एक बार हम जो है पीछे से ओवरव्यू आपको दिखाते हैं और ये कैसे बना है आपको खुद पता चल जाएगा। ये लगभग सीमेंट का ही है पूरा बना हुआ, इसमें रॉड रॉड का इस्तेमाल हुआ है अंदर के साइड, और इसको जो है यहाँ पर एक आकर्षण के लिए तैयार किया गया है। तो ये जो है बरघाट का गार्डन है और यहाँ पे जो है हम लगभग जो है 10 सालों से लगभग आ रहे हैं, 10 साल हो गया है इस गार्डन को। और यहाँ पर जो है सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि इस साइड पे कॉलेज पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे, पीजी कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज भी वहीं पर है। और इधर पे जो है पूरा एजुकेशन एरिया को रखा गया है। और अभी जस्ट जो है एक साल पहले यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पे, मतलब कि सभी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी काम होते हैं यहीं पर होते हैं, या कोई बड़ा जैसे कोई राजनीतिक कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर ही होता है इस स्टेडियम में। और एक स्टेडियम और बना हुआ है पीछे साइड में उधर की तरफ, जो कॉलेज है उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पे, वहाँ पर भी जो है एक प्रकार से स्पोर्ट के लिए सारी जो सुविधाएं हैं और सभी प्रकार के वहाँ पे जो गेम्स वहाँ पे खेले जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं डायनासोर भाई साहब हमारे, तो ये डायनासोर भाई साहब को हम दिखाते हैं नज़दीक से, इनका किसी ने हाथ तोड़ दिया है देख सकते हैं इसका जो हाथ भाई गोल कर दिया गया है। और ये रही पूछ, काफ़ी बड़ा है, वैसे आपको कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है ये डायनासोर। और इसको जो है पता नहीं भूख लगती है नहीं लगती है, शायद इसको खिलाना चाहिए नहीं तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये जो इस प्रकार से गार्डन है, और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के, पहले गुलाब के पेड़ भी थे, काफ़ी कुछ यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। जब मैं कई दिन पहले आया था तो काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने लायक था, लेकिन अभी की डेट पे काफ़ी कुछ यहाँ से ख़त्म हो गया है। और एक छोटी सी यहाँ पे छावनी जैसी बनाई गई है बैठने के लिए, या फिर जैसे कोई बाहर से आता है तो धूप ना लगे तो यहाँ पे बैठ सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा दृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं जो जंगल में रहते हैं वो देख सकते हैं, भाई साहब वीडियो देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये मगर है, यहाँ पे हिरण को दिखाने का प्रयास किया गया है। और साथ में जो है यहाँ पर भी कुछ हिरण है, उनके तो सिंग भी तोड़ दिए लोगों ने। और वहाँ पे खरगोश दिखाई पड़ रहा होगा, खरगोश है वहाँ पे, कछुआ है वहाँ पे, शायद वो मंकी जैसा नज़र आ रहा है। और ऊपर साइड में जो है वहाँ पर जो देख सकते हैं वहाँ पे पिकॉक यानी मोर है, और कुछ तोता है, और वहाँ पे कुछ बदक वदक दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य था, और यहाँ पे वाटर जो पानी जो ऊपर से नीचे गिरता था तो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अभी के डेट पे जो है पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ पर सुविधाओं की कमी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अभी भी फिर भी यहाँ बहुत कुछ घूमने लायक है, बहुत मज़ेदार यहाँ पे, एक ठंडक भी है बहुत अच्छी। गर्मी का टाइम चल रहा है, लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आप उस टेम्परेचर में भी यहाँ आके बैठेंगे तो बहुत ठंडक मिलने वाली है। तो ये ब्लॉग थी हमारी आज की स्पेशल बरघाट के लिए। तो ये ब्लॉग कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और भाई के चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, मैं चैनल का लिंक दे रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। La 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 la